سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. إذا زلزلت हिला दी जाएगी, हुक्म नहीं दिया जा रहा किसी को, हिला दी जाएगी, ठीक है, ये लाम हो गया फेल। फेल जुलजिला की लाम लामुल फेल है, लेकिन जिलजाला सख्त हिलाया जाना, अब बताइए कौन सा लाम है? ये भी लाल फेल लामुल फेल है। अच्छा, कोई और बताएगा कौन सा लाम है ये? ये लाम कम लिया है जिलजाला, पढ़ा जाएगा अच्छा, ये लाम कमरिया है, ये किसने बताया? सुमेरा ने। सुमेरा, जी सुमेरा। लाम कमरिया, कमरिया की क्या पहचान है? के उसको पढ़ा जाता है और बस और नामे का नहीं। नहीं, पढ़ा तो जाता है, ये बात सही है, लेकिन वो पढ़ेंगे तो उसको जो कोई चीज मौजूद होगी, तो उसमें क्या मौजूदगी, क्या चीज पाई जाए? लाम साकिन के साथ क्या क्या होना चाहिए? लाम कमरिया शमसी के लिए हमजा ये लाम वसले साकिन है, ये लाम साकिन है, ठीक है, पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? इसके साथ क्या होना चाहिए? हाँ, इसके साथ हमजा वसले होना चाहिए। हमजा वसली होने चाहिए। ओके, तो अब इसको जबर या कुछ भी जो लगा पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ा जाएगा नहीं जी, जब हम पढ़ा इससे जाएगा? तो शुरू हमजा करेंगे। वसली, अब जी अब जी जी बताइए, बताइए। जिल ज़्यादा, हाँ तो चलो एक अलग वो है, उसकी जमीर है ना, उसको तो एक तरफ रख दें। ओके, तो अब बताइए, अब यहाँ पे हमजा वसल है, ये लाम साकिन है ना? नहीं है, नहीं हम जब असलिया नहीं नहीं है। है, तो चलो, तो ये लाम कमरिया तो नहीं हुआ, फिर कौन सी लाम है? बाजी हला दिया गया लामुल फेल ही है क्योंकि लामुल एक्शन हुआ फेल। है, इसमें किसी काम का करना हुआ है। अच्छा, और पूरे ग्रुप में से कोई और भी आंसर करे? मैं अभी ये सही है गलत का नहीं बता रही, इसमें किसी का नहीं बता रही कि सही है या गलत है। जुलजिला का हमने बता दिया। अस्सलाम जी वालेकुम। अच्छा, क्या कहते हैं ये लावंस, इसमें हमें क्या पता, आप पूछ नहीं बता रही हैं। नहीं बता रही हूँ, लावंस अच्छा इसमें ये अच्छा आखिर अच्छा में अभी रुक नहीं जाए, आता अभी है। अभी रुक जाए, अभी अभी रुक जाए। आप कह रही हैं लामुल इस्म है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये सही है गलत है, ठीक है, मुझे सबसे पूछ लेने दें ताकि क्लियर हो जाए। क्या पता आप गलत हो, क्या पता दूसरा कोई गलत हो, ठीक है, तो अभी हम आखिर में फाइनल करते हैं। जी, तो जुलजिला की लाम तो हो गई लामुल फेल, जुलजिला थी जी, अब कोई जुलजिला थी जी, ये लामुल फेल हो गया, और कौन बताएगा अब वो वाला लाम का? बताऊं, मैं बताइए। एक जिलजाल जो है ना, जो इस्म है यानी फेल जो हो रहा है, वो तो एक उसका इस्म का नाम नहीं जब नहीं होगा रीजन नहीं फेल के बतानी, साथ रीजन नहीं होगा। बतानी, आंसर, जस्ट अच्छा आंसर, रीजन मैं बाद में पूछूंगी, हाँ या अच्छा नहीं, ये मतलब क्या, क्या कौन सी, मतलब पांच वो है ना, लामुल फेल है, लामुल हर्फ है, लामुल इस्म है, ठीक है, ये बहुत सारे लाम है ना, तो उनमें से जी आपने जी क्या बताया लामुल कौन सा है? एक जो है ना फेल जो हो रहा है जिसमें, वो तो है इस्मुल फेल, और जो है इसम, जो फेल का इसम है, जो फेल हो रहा है उसका इसम है, जो नहीं, नाम अब है यहाँ पे शॉर्ट में उसका आंसर बताएं, उसका नाम बताएं बस, जुलजिला जब लामुल, हला दिया। जी नहीं ये वाला, ये हो चुका, ये जुलजिला तिल अर्दू हो चुका, इस पे जी फैसला जी हो गया है, अब सिर्फ ये ना जिलजाला हा का फैसला करना है। जिलजाला हाँ, क्योंकि वो इसम आएगा यहाँ पे क्योंकि उसका फेल हो चुका ना बस पहले तो। नहीं चबाना, प्लीज प्लीज प्लीज, आपने कहा लामुल इस्म, ठीक है, खत्म, अभी जी रीजन नहीं बतानी कि गलत है ये सही, ठीक क्या है। पता आप ऐसी बहुत डिटेल में बताएं बाकी कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, हाँ चलें। जी, अच्छा, बाकी लोग बताएं, मुझे लामू फेल लग रहा है, वैसे मुझे लामुल सही नहीं फेल लग पता। रहा है। अच्छा ओके, आपने आंसर दे दिया, लामुल फेल लग रहा है, ओके ठीक है। वालेकुम जी सलाम रहमतुल्ला जी। लामुल इसम लामुल इस्म है,
अच्छा, और ठीक है, यानी ये अभी वही बात है, डिसीजन बाद में करते हैं। ओके, स्टूडेंट अस्सलाम की तरह। वालेकुम नामुल इसमें ये बाजी सॉरी मुझे पहले अच्छा आवाज नहीं आ रही, मैं बाहर थी। अच्छा अब मुझे क्वेश्चन की समझ आई है, क्या क्या अच्छा पूछ ना, रही है। अच्छा ना दिया ना, आप ना दिया, अच्छा ना दिया कह रही है। ओके ओके, अच्छा चलें अभी। हाँ ठीक है, अभी हम फैसला बाद में करते हैं। ठीक है, ना दिया, ना दिया जी। जी, मैं सोच दिया। फौजिया बताइए, जिलजारा में लाम कौन सा है? लामुल इस्म है। लामुल इस्म है। ओके चल, अब देखते हैं कि क्या है, लामुल फेल क्यों नहीं है और लामुल इस्म क्यों है। अब शबाना अभी बताओ जरा, लामुल इस्म है जी मेरे ये, हो ख्याल में गया। इसम नहीं है, क्योंकि लामुल इस्म में तो नाम होता है, तो इधर नाम तो नहीं है कोई भी। अर्ध होता, अर्ध में अगर होता तो ये तो होना था। चलो लामुल इस्म, इलम, सुल्तान वगैरह को तो नाम में लामुल इस्म आएगा ना, तो ये तो मुझे तो बिल्कुल, फेल। मैं ये स्टूडेंट कौन, आप अपना नाम बताइएगा प्लीज। शबाना ही बोल रही हूँ जिसने शुरू की। अच्छा, ये शबाना दूसरी बार, दो शबाना आज, दो शबाना भी पार्टिसिपेट करी ना, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, शबाना, शबाना और जो भी जिसने भी लामुल फेल समझ रहे ना, वो अब हम एक चीज को समझते हैं, ठीक है, ताकि ये जो शक है वो दूर हो जाए। कोई और अगर अपना कोई अपना तरीका कर, शबाना आप दूसरी शबाना जो आप बताना चाहें कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि ये लामुल इस्म है। मुझसे कह रही हूँ फेल हाँ अगर किसी काम का होना, जैसे किसी चीज का नाम पाया जाए, जैसे जलजला आ गया है, तो ये इस फेल का नाम है जलजला। लेकिन अगर वो फेल हो रहा है तो यानी कि वो फेल है, यानी उस वक्त उसको इस्मुल फेल कहेंगे सही, ना, अच्छा जहां तक मैं समझती हूँ। ठीक है। अब ये है दूसरी शबाना, अब बताओ, ये मैं लिख रही हूँ जुमला, खाना रख दो या खाना पका लो, ठीक है पका लो चलो, तो अब इसमें जो ये खाना है ये क्या है, खाना इसमें नाम है खाना। क्या नाम, खाना नाम है ना। अच्छा, अब है मैंने खाना खाया, काम कर रही इसमें हूँ। इसमें इस्म कौन सा है, फेल कौन सा है। खाना इसमें और खाया फेल है। हाँ सेम, इसी तरह से, अब ये उर्दू में हमें समझ आ रहा है, इसी तरह से जिलजाला जो है ना, अब अरबी में वो बाद में आया ना ये वाला जिलजाला, ठीक है, और जुलजिला ये पहले आया, क्योंकि ये वो मजहूल है ना जी। दुरे शहबार बहन, आप भी अपने जुलजिला जी, आप अपने, आप बताइए कि आप कैसे कहेंगे कि इसलिए ये इस्म है और फेल है। कि ये दरमियान में आ रहे हैं नाम शाकिन, और इसमें कैसे, ओके दरमियान में भी आ रहा है, और ये मतलब इसका लफ्ज का असली हिस्सा है नाम जो ओके, है अच्छा इसका। और दूसरा ये इससे पहले हमजतुल वसल नहीं है। इन्होंने बताया दरमियान में आ रहा है, और इसके अलावा क्या बताया, असली हिस्सा है। जी, और इससे पहले ओके, हमजा तो वसल नहीं है, इससे पहले और हमजतुल हाँ वसल नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी हो रहा है, इजहार भी हो रहा है। मिला ओके के पढ़ लेना इसको। ओके ओके, इन्होंने जो आपको बताई है पहचान, वो किस बेस पे बताई है, किताब में आपको याद होगा, एक तो आप तर्जमे को समझ के करते हैं ना, और एक उसमें आपको कुछ चीजें बताई थी, याद है। जी जी मैंने इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए कहा है कि ये लामुली इसमें। अच्छा सही 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 सही, माशाल्लाह। इसमें ना लाम जब भी साकिन होगा ना, ये हमजा को तैयार, ओके, तो उसमें सबसे पहले जो जितनी भी उसमें हैं हमारे पास टाइप्स हैं, उसमें से हम माइनस करते जाएंगे, जैसे नून साकिन तनवीन के अहकाम में हम देखते थे ना कि पहले चेक कर लें
कि अगर ये इजहार के नहीं है तो ये नहीं, ये है तो इस, अब लाम ये है, सबसे पहले लाम कमरी और शमसी है, लाम साकिन हुआ तो उससे पहले अगर हमजातुल वसल नहीं है तो ये माइनस हो गया, ना कमरी है ना शमसी है, ये माइनस कर दिया। तो यहाँ तो ये लामुल इस्म था, तो ये कहा ये लाम साकिन हमेशा अस्मा के दरमियान में आता है, जो अभी दुरे शवाल बहन ने बताया कि कलमे के दरमियान में, आखिर कभी कलमा के आखिर में नहीं होता। तो पहला पॉइंट ये था, लाम साकना हमेशा इसके दरमियान में आता है। फिर लामुल इस्म कलमा का असली हिस्सा होता है, ये इन्होंने बताया, और इससे पहले कभी हमजातुल वसल नहीं होता। ये तीन पॉइंट जो इन्होंने बताए वो उस इसमें से बताए, ठीक है। और लामुल इस्म का तमाम हरूफ में इजहार होता है, इसमें इदगाम भी नहीं हो रहा, ये इन्होंने पॉइंट्स बताए। अब आ जाते हैं वो तर्जमे के अतबार से, तो जैसा कि बताया था अभी के इसमें तो हो रहा है काम की हिला दी जाएगी, ठीक है, हिला दी जाएगी, या खाना खाया जाएगा, पानी पिया जाएगा, तो पानी खाना कोई और भी कुछ भी हो, तो जो भी एक होता है इस्म और एक होता है उसी का फेल। तो यहाँ जिलजाल, अब मैंने इसमें तर्जमा जो है आपको इसमें से दिखाया था कुरान का, तो उर्दू में ना, उर्दू में पहचान आपको किसी को याद है जिसने मतलब वो उर्दू की ग्रामर भी पढ़ी हुई हो, उसमें ना आखिर में आता है यानी खाना पीना, नून अलिफ ना जिसमें आए ना, तो उसको कहते हैं कि वो इस्म होता है। तो देखिए सख्त हिलाया जाना उर्दू के एतबार से नून अलिफ ना होता है, तो ये इस्म है। चले भाई, इस पे हमने काफी टाइम लगाया, जजाकल्लाह खैर, लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। शनावी जी, एक चीज मैं ऐड थोड़ा कर जी जरूर अगर जी बताइए। ये है कि जुलजिला जो पहले वाला है उसमें इसम जो है उसमें फिर जमाना नहीं पाया जाता, ये आपने बताया था ना। नहीं, किस में, जिलजाला में या जुलजिला में? नहीं, जुलजिलत जो है उसमें जमाना पाया जाता है, ये पहले वाला जो है हाँ इजाज जुलजिला, बिल्कुल 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 जो हाँ दूसरा जो होगा वो इस्म जो है उसमें जमाना नहीं पाया जाता, जिलजाला हा गया। बिल्कुल 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 ऐसे ही, हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम फेल वो कहते हैं जो या तो हाल अभी मतलब अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, या फ्यूचर में होगा, ठीक है ना, या प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट, ये तीन ही है ना, या फिर वो कि जैसे इसमें उसी के आगे जो भी टाइप्स आ जाती हैं फेल की, जो भी टाइप्स आ जाए तो वो सब उसमें जाएगा, ये मजहूल है ना, ठीक है। लेकिन जिलजाला में वो भी नहीं पाया जा रहा, जमाना नहीं पाया जा रहा, इसका हिलाया जाना। चले ठीक है जी, जजाकल्लाह खैर ज़ेबा। हाँ जी मेरा, आप पढ़िए जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह क्या कहते हैं, रुके 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 रुके, जी जी आपने अभी जी जो एक और स्टूडेंट थी ना उनका भी वही था, आपने पढ़ा आऊ जू, आपने जू जू पढ़ा, ये गलत है। आपको ये पता है यहाँ दाल है कि नहीं? जी दाल है ना, पता है ना, असल जी में दाल है जी ना। जी जी हाँ, तो आपका ये जे पढ़ा गया है जो कि गलत है, प्लीज अच्छा दाल को पढ़िए मैं तो आऊ दोबारा पढ़ती हूँ। जी। ओजू नहीं गलत है, जू कैसे हो अभी भी सकता है। गलत है? नहीं, मैं जबान बाहर निकाल के कर रही हूँ। जू हाँ नहीं आओ यकीनन, पता है क्या, मैंने अभी एक बताया था, अक्सर के साथ क्या होता है, पहले वो ऐसे जुबान निकालते हैं, ऊपर दांत लगाते हैं, और लगा के ना, लगा के और हटा के बोलते हैं। अच्छा आप यही लगा रहे, आप ऊपर से दांत लगा के लगे रहे और बोले दू, आउज़ु, नहीं इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, खाली दाल का मैंने देखना है, अभी बोले जान दू, नहीं अभी दू दू, जू जू देखे अभी सही निकल रहा है ना। जी तो जू वजह क्या है मैं बताती हूँ, जब हम आऊ हरफ मद्दा करते हैं ना, हमारा होंठ गोल होते हैं, तो जी दाल के मखरज पे जाए बगैर हम लोग उसको आसानी से जू बोल देते हैं। तो इसके लिए एफर्ट करनी है कि हमारी आदत नहीं है दाल उर्दू में, हमारे हम इस्तेमाल नहीं करते,
तो जी जी दर अभी बिल्कुल सूरज दिल दाल में पहुंच गई, और दाल का मखरज समझ ना आए यानी उसके ऊपर कमांड हासिल ना हो, तो अभी हमें इस पे करने की जरूरत है। लू जी लू जू जू जी, अब आराम से दू सोच के जाइए दाल के ऊपर। ठीक है आउजू दू जू अभी भी थोड़े इसमें बजिंग से ये आएगी तो गलत होगा, क्योंकि वो हवा नहीं आउ निकलती ना, जब दांत उसको प्रेस कर लेते हैं ना जुबान को, तो फिर हवा इतनी बार जाती नहीं। दू आउजू, आउजू हाँ अब ठीक है। आउजू नहीं आउजू फर्स्ट आप तेजी में जा रही हैं। आराम अच्छा से दिन में आपने मिरर में ऐसे बोलना है, अपना मिरर देखकर उसके ऊपर जी रख कर, यानी हटाना नहीं, वह दांत रखे रखे जी वह, फिर जी ली इसी तरह रखे जी रखे, और फिर पहले मखरज फिर हरकत। मैं यहाँ पे सबको मिसाल देती हूँ, मखरज होता है निकलने की जगह, गेट। आपने जी यहाँ से घर, अब ये कमरे से बाहर निकलना है, तो आप पहले दरवाजे में दाखिल होंगी और फिर मूव करेंगी। तो अभी आप मूव पहले कर देती हैं, दाखिल नहीं होती, यानी मखरज पे नहीं ओके जाती, पहले मूव कर जाती। आप पहले मखरज ठीक पे जाएं, दे, फिर हरकत है, है फत्था हो, कसरा हो या जी दम्मा हो, दे, दी, जी दू। जू यस, चलें आप कीजिए। जू ओके आप पढ़िए। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्फ़ालहा वकाल الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها सा का मखरज يومئذ सही है लेकिन तू लंबा हो गया। अच्छा यौम इदिन तुहद्दिस अखबारहा, يومئذ यहाँ झटका تحدث मत दे या जबर बहु यौ को, यौ यौ झटका नहीं देना, अच्छा नरमी से, लीन है हरफे लीन, नरमी से अदा होता है। यौम यौम यौम, हाँ ये यौम तुहद्दिस अखबारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़ यस्दुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अमालहुम हम फमन लंबा नहीं, हम अच्छा हम जी अमाल फमन ओके हाँ अमल मिसकाल ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ओके, अभी बहुत सी चीजें सीखने वाली हैं आपकी। खा मुफ़क्कम करना है, खा खई खई नहीं, खा वही हाँ रोई रो। चले अभी अभी इस हफ्ते में आपका सा हरफे लसवी या सा और दाल जो है ना इसका सही हो जाए अच्छी तरह से। अच्छा मीनिंग याद किया आपने? हाँ जी थोड़े 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 थोड़े, ओके ओके असल में भैया आई तो फरमाइए वो अमल। तर्जुमा वाला कुरान नहीं है मैं बेटी के अरे पास आ ये गई हूँ आपको ये पीडीएफ इसको कुरान का इसको मैं कहती हूँ सेंड कर दे रिजाना जी। फरमाइए ये अमल बोली। बस जिसने अमल किए ओके ठीक है। इसका बताइए, आयत नंबर 4 का, पूरी आयत का तर्जमा, यौमा इदिन तो हद्दी तो अखबार रो है। हाँ जिस दिन वो बयान करेगी अपनी खबर जी ठीक है ठीक है। अच्छा तजवीद के एतबार से यौमा इदीन तो हद्दी तो, तनवीन के बाद ता है, क्या हुक्म है यहाँ पर? जब आता है वो होगा गुना होगा हाँ गुन्ना तो होगा, ये हाँ गुन्ना इजहार तो है, क्या होगा?
इजहार। इजहार का गुना होगा। नहीं, इजहार में तो गुड नहीं होता। नून के बाद आपको क्या हरूफ हरूफ याद हैं तजवीद के, इसमें नून साकिन तनवीन के जो अहकाम जी हैं जी उसमें वो सारे लेटर्स याद हैं? इजहार के कौन से हैं, इदगाम के कौन से हैं, इखलाब के कौन से हैं, याद है कुछ के नहीं? इकलाब का याद है, और हाँ, और वो हरूफ हल्के वाले तो याद है पक्के पक्के। और इदगाम के यरमलून। यरमलून बिल्कुल, और उसमें यन्नू का अलग वो है और लाम और हाँ, हा का अलग है। तो अब देखें इजहार के लिए क्या ये ता जो है हरूफ हल्की में से है? नहीं, अच्छा, उसके बाद इदगाम यरमलून उनमें से कोई वो है भी ये? नहीं तो है। नहीं, उनमें से भी कोई नहीं है। इकलाब है, तो फिर क्या इकलाब में बचा? भी नहीं है। तो क्या बचा फिर? इदगाम यरमलून हरूफ इदगाम ही है ना, जी तो हरूफ इदगाम में भी नहीं है, तो नहीं, उसमें भी नहीं है। आखिर में एक ही बचता है, वो इख्फा है, 15 हरूफ है उसके। तो हाँ मतलब इस पे आप लोग इतना भी फोकस नहीं कर रहे अहकाम पे, है ना, ऐसा लग रहा है, या आपको इसको जी, भूल गए? चलो ठीक है, ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट फिर वो ठीक रिजानों को बताना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आपकी अक्सर क्लासेस हो रही हैं, तो उसमें ये ना अहकाम पे बात करनी है आप लोगों, ठीक है। जी आपको ये जो सूरत फजर तक सारा कहा है ना, इसमें जी एवरीथिंग, हर एक का मखरज, इसकी सिफात, अहकाम सारे आने चाहिए, जी चले। और तर्जमा भी, जजाकल्लाह खैर। जी सिस्टर आसफा, आप पढ़िए सूरह जिलजाल। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن رب بك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال ذرة خيرا يره. या ذرة تنوین کے بعد خا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یا اظہار، ورنہ مت کریں اوکے، جی، ورنہ مت کریں جی، دوبارہ پڑھیں. ذرة خيرا يره ومن يعمل مثل قال ذرة شرا يره. اوکے، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، ماشاء اللہ بہت بہتر ہے. ابھی اور بھی امپروومنٹ کی ضرورت کہاں پر ہے؟ آیت نمبر 2 میں اخرجت الارضو، ضاد اور موٹا مفخم ہونا چاہیے، الارضو، کیونکہ دال اور ضاد یہ قریب، پھر مطلب ایسے لگتا ہے دو اگر سامنے رکھیں گے زبان تو دال کی آواز آئے گی، اگر حافظ اللسان اوپر کی 5 دھاڑوں کے ادھر اندر گمز کو لگ کے پھر لگتا ہے دو जी دو، اور ہیوی ساؤنڈ دو مفخم ہوگا، ٹھیک ہے. اس پہ جی سرکل رکھیں، ضاد پہ اور کرنا ہے ان شاء اللہ. بہت بہتر ذرہ تن میں دال کو باریک رکھنا ہے، راک مفخم کرنا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کو احکامات آتے ہیں؟ جی آتے ہیں الحمدللہ. اوکے اوکے. آیت نمبر 6 میں یوم ایدین یصدرو، تنوین کے بعد یا آیا، کیا حکم ہے یہاں پر؟ ہاں یہاں ادغام ہو رہا ہے ناادغام گننے کے ساتھ، تنوین کے بعد ادغام یا آ بغنہ، گیا نا. ایک ساتھ ہی آتی، ادغام بغنہ، ٹھیک جی ہے، اس طرح جی بولے، ٹھیک ہے. اچھا، ترجمہ یاد کیا ہوا کہ نہیں؟ یا وہ اوکے، تو آیت نمبر 3 اور 4 کا کیجیے.
आयत नंबर 3, हाँ, वकाल इंसान उमार है। वा और कॉल अल इंसान, कहेगा इंसान माँ क्या, लाहु लहा हुआ इसे, इंसान हाँ यानी जमीन की बात हो रही है ना, इसे क्या हुआ है, जी। यौमा इज़िन इस दिन, तो हदीसु वो बयान करेगी, अखबारहा खबरें अपनी, और पांचवे का बता रहे, बी अन्न। अन्ना क्योंकि रब्बा का आपके रब ने अवहाला वही की है उसे या बता दिया है उसे। ठीक ठीक है, बहुत जजाकल्लाह, माशा अल्लाह। जज़ाकअल्लाह। ठीक है, आपके ग्रुप में और कौन? हाँ, दुरेश अहवार, आप पढ़िए। ठीक जिलजाला, अली को थोड़ा लंबा कीजिए, जिलजाला। ठीक है, أرضي أسألها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تهدش أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ أوحى لها، بورا قول كده، أوحى لها. أو حالها يومئذ يخرج الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال نہیں، دوبارہ پڑھے، فرمائی نہیں، فرمائی عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن ذرتين تنوین کیوں، خا ہے یہاں پہ، گناہ نہیں ہے، ذرتين خيرا يراه، ذرة خيرا يراه، ذرة خيرا يراه، اوكي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ओके, जजाक अल्लाह खैर वासन। जैसा आपका भी ये दो लेटर जो है ना, वे दी दू, इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ, ये दोनों में जी मिस्टेक है, ठीक है। जी उसके लिए अब मिरर के सामने अपनी जुबान थोड़ी सी बाहर निकाल कर ऊपर दांत रख जी के ऐसे बोले, वे जी दी जी दू। जब आपने बोला है ई वे, ई वे, हाँ, इसकी ना थोड़ा प्रैक्टिस करके ना जैसे आदत बनाए, क्योंकि ऐसे अलग से एक लेटर हम करते हैं तो आपका स्टूडेंट का अक्सर सही हो जाता है, लेकिन जब तिलावत शुरू करते हैं तो फिर बीच में ख्याल नहीं रहता, तो फिर वो मखरज पे जाते ही नहीं, तो हमारी मिस्टेक ही मखरज की है। और एक हर्फ जो है, यानी एक हर्फ की जगह, यानी दाल की जगह पे जे हो जाए तो लहन जली है ना, तो हमने इस पे फोकस कर। तो इस वीक का आपको सबको टारगेट है, जिसका भी दाल और सा नहीं सही, हरूफ लसविया, वो ठीक कर लें, ठीक जी है। बहुत जजाक अल्लाह खैर वासन जजा। अच्छा जी, तर्जमा तो आपको आता होगा माशाल्लाह से। ओके, जी आय नंबर 6 का तर्जमा कर दीजिए। नंबर 6 जिस दिन नहीं, दिन यस नहीं, दिन, यौमा इज दिन, उसे हाँ जी, यौमा जी, इज़िन, यौमा दिन ओके, उस दिन यस नाशा लौटेंगे लोग अश्ताता अलग अलग होकर। ओके, आगे पूरा करें। ओहो, ये ताकि यह रोज देख सकें आमादा हूँ अपने इमार, उनके इमार देख नहीं सके, ली यूरव दिखाए जाएंगे। या है जी, दिखाए जाए, मुस्तकबिल ताकि में वो दिखाए दिखाए दे जाएंगे। अपने,
हाँ दिखाई क्योंकि ताकि दिखाए ये जाए मजहूल है, उनके ईमान। मजहूल है बिल्कुल, ये खुद अपनी मर्जी से नहीं, मतलब उस दिन जब सबको जमा किया जा रहा होगा ना, सारे जमा होंगे ठीक है, उस दिन लौटेंगे लोग अलग अलग होकर, यानी अस्ताद मुख्तलिफ जैसे होते हैं, तो फिर वो ताकि किस लिए ग्रुप ग्रुप जैसे होते हैं ना, तो उनको फिर उनके अमाल दिखाए जाएं। ठीक जी है, जजाकल्लाह खैर। अच्छा जी तजवीद के अहकामात में से आप बताएं कि आखिरी वरियत में शर्रैयरा तनवीन पर या है, क्या हुक्म है यहाँ पर? किसमें शर रही है हमने, यस यहाँ शर्रैयरा पे, यहाँ पे इदगाम होगा, शर रही इदगाम जब दुआ भी जी। ईदगाम, जब भी ईदगाम की बात हो ना, तो उसका पूरा नाम बताया करें, कौन सा इदगाम ईदगाम, दो टाइप के ना? बागुन्ना, इदगाम बागुन्ना अकलू, ईदगाम बगुन्ना के बाद क्या लफ्ज बोले? अकमल अच्छा, हाँ अकमल, ठीक है, उसका उसका आपने वो भी बताया, ठीक है, जजाकल्लाह खैर, वासलम जी। जैसा, ठीक है जी, ये इनके रिजवाना के ग्रुप के हो गए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا، اکثر کا را کی وجہ سے دال مفخم ہو رہا ہے، واہ ورہ ایسے نہیں، ذہ ذہ، یہ دونوں ذرة 7 اور 8 دوبارہ پڑھیے، ذرہ ذرہ ذرة ذہ ذہ ذرہ، ذرة یس. اب آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں، اور اسی اسی توجہ کے ساتھ، ذہ دال فتح را ذر را فتح را ذر را جی، ذرة دي پورا پڑھو. یس جی، پوری 7 اور 8 آئے دونوں دوبارہ پڑھی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ठीक है माशाल्लाह، जजाक अल्लाह खैर वासन अल जजा. आपने पढ़ा, नाम अपना बताइएगा प्लीज. फौजिया 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 आयत नंबर 7 का तर्जमा भी कीजिए. आई ये फमई अमल मिसकाल थिंक दर्रतिन खैर. अमल मिसाला, ताकि वो देखा जाए, दिखाया दिखाया जाएगा अपने आमाल. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. اس فمن عمل, بس جو جی عمل करेगा जरा हाँ हाँ बराबर अच्छा, हाँ वो देख लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं देख लेगा उसे. हाँ वो देख लेगा उसे. बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो था ना ओके आइटम, नहीं बस 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 ए 7 का 6 में था कि दिखाए जाएंगे उनको, हाँ 7 हाँ में है कि देख फिर देख लेगा. लेगा वो उसके. ठीक है जजाक अल्लाह खैर. तजवीद के अतबार से जर्रतिन खैरा, तनवीन के बाद खा है, यहाँ क्या रूल है तजवीद का?
तनवीन के बाद में खा आया है तो इजहार है। इजहार कौन सा वाला? इजहार इजहार हकीकी। इजहार आ हकीकी। खौ खौ जो है हल्की बड़ी, इजहार हल्की हल्की। यस बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना इजहार शफवी भी तो है ना, इसके लिए याद रखना इजहार हल्की, हाँ वो इख्फा के लिए इख्फा हकीकी है, ठीक है जी ना? जी ठीक जी जी हाँ है, जजाकल्ला खैर वासन जजा, यस अच्छा यस पढ़ा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। और पढ़े आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैं पढ़ूँ शिनाज सलाम बाजी? वालेकुम। आप इशरत के ग्रुप से हैं क्या? नहीं, सलमा के सलमा, ग्रुप। ओके पढ़िए। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آية نمبر 8 دوبارہ پڑھیے، ومن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اوکے ما شاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا مثقال تھا میں تھوڑا سا زبان پیچھے ہو گئی تھی تو اس لیے اس کا مخرج کلیئر نہیں تھا، اس لیے ریپیٹ کروایا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے آپ کا جو لام مشدد اور رام مشدد ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، سٹرونگلی مشدد جو ہے نا، بسم اللہ مل بسم الرحمن الرحیم، یعنی کہ پتہ چلے کہ پہلے کے ساتھ ملا کر ہم پڑھ رہے ہیں مشدد، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔ چلیں ابھی آیت نمبر 8 کا ترجمہ کیجیے آپ پہلے۔ جی ومن، اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال برابر ذرۃ ذرے کے شرن برائی یارا وہ دیکھ لے گا، یعنی کہ جو کوئی ذرا برابر برائی کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ بھی وہ اس جدا کو کے دیکھ لے دن. گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔ اچھا جی، تو احکامات میں آپ بتائیے، اوکے ذرۃ شرہ، ذرۃ یہ 8 میں ہی تنوین کے بعد شین ہے جی نا، تو کیا حکم ہے یہاں پر؟ یہاں پہ اخفاء حقیقی آ رہے ہیں، یہاں پہ دمی کے بعد اوکے شین ہے ٹھیک تو ہے جی ٹھیک، تنوین جو شین ہے تو اس پر حقیقی ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔